दोस्तों नमस्कार। अखाड़ा सियासी हो या कुश्ती का, जो पहलवान होते हैं यानी कि खिलाड़ी, उसके मैट पर उतरने से खुद को रोक नहीं पाते। यानी कि जिसने भी कभी एक बार सियासी अखाड़े का और या फिर कुश्ती अखाड़े का हुनर ले लिया हो, उसका स्वाद चख लिया हो, तो फिर वो मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ आता है। भले ही वो कभी उसमें कामयाब रहे या नाकामयाब हो जाए, लेकिन कामयाबी के शिखर को, कामयाबी की बुलंदी को छूने के लिए वो उस पिच को, उस अखाड़े को, उस मैट का मोह छोड़ नहीं पाता। और यही मोह फिर जागा है दंगल गर्ल बबीता फोगाट का। बबीता फोगाट जो दादरी विधानसभा सीट से 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, विधानसभा का चुनाव लड़ने के दौरान में, विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए यानी कि बीजेपी की टिकट पर, वो चुनाव तो जीतने में सफलता नहीं पा सकी, लेकिन उसके बाद राजनीति में थोड़ी बहुत उसकी एडजस्टमेंट रही उनकी ज़रूर। उनको हरियाणा स्टेट लेवल के एक निगम का चेयरमैन भी बनाया गया। बबीता फोगाट दादरी से कैंडिडेट हुई तो वहाँ पर वो तीसरे स्थान पर रही, चुनाव जीत गए वहाँ से सांगवान साहब, सोमवीर सांगवान, और तीसरे नंबर पर आ गई उस विधानसभा चुनाव के अंदर बबीता फोगाट। अब बबीता फोगाट कहती हैं कि पहलवान कभी थकते नहीं हैं। बबीता फोगाट कहती हैं क्योंकि वो पहला चुनाव था, पहला चुनाव के अंदर उनके दावपेच जो है, उनको राजनीति के दावपेच यानी कि सियासी दावपेच पूरी तरह समझ नहीं आए थे, इसलिए उस खेल में, उस दंगल में वो चित्त हो गई थी। यही शब्द हुआ करते हैं जो पहलवानों के लिए होते हैं, जब वो मैट पर लड़ते हैं तो जीतते हैं या चित्त होते हैं। तो इसलिए बबीता फोगाट कह रही हैं कि उनके पास सियासी दावपेच पूरे नहीं थे। अब वो कह रही हैं कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, सरपंचों को जो ताकत दी गई, क्योंकि देखिए बबीता फोगाट जो आती हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं पूरी तरह से, और जो उनका विधानसभा सीट थी वो भी पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि की है। उस विधानसभा चुनाव को हारने के बाद में अब जब बबीता फोगाट राजनीति के अंदर दूसरी एंट्री करने की तैयारी में है और इस जुगत में है कि उनको एक बार फिर से चुनावी मैट पर अपने दावपेच दिखाने का मौका मिल जाए, यानी कि सियासी है तो टिकट मिल जाए, विधानसभा का टिकट चुनाव का मिल जाए, तो फिर वो अपने पैर पैंतरे एक बार दोबारा से दिखा दें। तो कह रही है बबीता फोगाट कि पहले चुनाव में पूरा हुनर नहीं था, इस चुनाव में वो कुछ करके दिखा देंगी। नायब सिंह सैनी के लिए कह रही हैं कि उन्होंने जो सरपंचों को वित्तीय शक्तियां बढ़ाई हैं, उनकी अलग अलग ताकत बढ़ाई हैं, उससे निसंदेह पार्टी को फायदा मिलेगा और ग्रामीण अंचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ेगी। क्योंकि आपको ध्यान हो तो सरपंचों की वित्तीय ताकत कम करने के लिए, उनके अधिकार घटाने पर सरपंच नाराज हुए थे, और दूसरी तरफ जो पहलवान बेटियां और खिलाड़ी नाराज हुए थे सरकार से, दोनों के प्रदर्शन आंदोलन बहुत बड़े चले। उस समय आप ध्यान करें तो बबीता फोगाट से भी बात चली थी जब खिलाड़ियों का आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये कह दिया था कि जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, वो विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं, तो बबीता फोगाट ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। अब बबीता फोगाट कह रही हैं कि अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो कुछ करके दिखा देंगी, यानी कि विधानसभा चुनाव में। मंझे हुए नेता की तरह बबीता फोगाट ये भी कह रही हैं कि अब परिवारवाद की राजनीति का समय चला गया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए, निशाना कसते हुए कह रही हैं कि देश की जनता ने माँ बेटे की राजनीति खत्म कर दी। भले ही अब की बार कांग्रेस का ग्राफ पहले से बड़ा है, लेकिन बबीता फोगाट कह रही हैं कि माँ बेटे यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की राजनीति को देश की जनता ने खत्म कर दिया। और हरियाणा से जोड़ते हुए कह रही हैं कि हरियाणा के अंदर बापू बेटे की राजनीति खत्म कर देंगे, यानी कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। ये बापू बेटे वाली बात तो आप खूब सुन रहे होंगे आजकल, बापू बेटे वाली बात तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद में, इसके अंदर भी बबीता फोगाट ने एक कदम और बढ़ते हुए कह दिया कि बापू बेटे की राजनीति को हरियाणा की जनता खत्म कर देगी। बबीता फोगाट ने और भी बहुत सारी बातें कही, वो तो मैंने आपको बताया है कि उन्होंने कहा कि पहलवान मेहनत करते हैं, कभी थकते नहीं हैं। जो तीसरे नंबर पर रही थी वो कह रही हैं कि अब की बार सामने वाले सभी पहलवानों को राजनीति के मैट पर चित कर देंगे अगर पार्टी ने मौका दे दिया।
साथ साथ ये भी कह रही हैं कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होकर बाहर आएगी, यानी कि और मजबूत होकर के सामने आएगी इस चुनाव के अंदर नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, ये भी कह रही हैं बबीता फोगाट। इसके साथ साथ बबीता फोगाट एक बात और कह रही हैं कि उन्होंने देश के लिए विभिन्न पदक लाने का काम भी किया है। वैसे आपको बता दूं कि भले ही विधानसभा चुनाव में 2019 में बबीता फोगाट को 24,786 वोट मिले, तीसरे स्थान पर रहीं, लेकिन वो राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर और ओलंपिक तक तमाम देश के लिए मेडल और पदक ला चुकी हैं। अब बबीता फोगाट एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी में है। तो राजनीति के अंदर सक्रियता, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जो पहलवान होते हैं वो सियासी पहलवान हो या कुश्ती के पहलवान, वो उस मुंह को छोड़ नहीं पाते। तो एक बार फिर से, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो बबीता फोगाट ने भी चुनावी दंगल लड़ने के लिए, चुनावी अखाड़े में आने के लिए, सियासी अखाड़े में आने के लिए अपना पैंतरा जो है वो खोल दिया है। अपना पैतरा कौन सा आजमाएंगी, कौन से पैर पैतरे पर काम करेंगी, ये भी बता दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर तमाम प्रकार के तंज भी कसे हैं, बापू बेटे की राजनीति पर। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कुश्ती के अंदर अपना परचम फहराने वाली बबीता फोगाट राजनीति की पहली पारी में असफल होने के बाद क्या अब राजनीतिक मुकाम हासिल कर पाएंगी? आपको क्या लगता है कि क्या बबीता फोगाट पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी दादरी विधानसभा सीट से, चरखी दादरी से दांव खेल सकती हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या अगर बबीता फोगाट चुनाव लड़ती हैं तो क्या उनके समर्थन में खासकर विनेश फोगाट और अन्य पहलवान और खिलाड़ी अब की बार उनके साथ आ सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।